डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि अगर कोई भी होगा तो डबल इंजन की सरकार उसकी भरपाई करेगी, परंतु बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ हम कृष्णापुर क्षेत्र की सड़क की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तल्लीताल से बल्लीताल को जाने वाला हमारा ठंडी सड़क का पैदल मार्ग इतने समय से बंद पड़ा है। तो आप समझ लीजिएगा तो बेताल घाट के अंदर जो आपदा है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है गर्म पानी से लेकर खैरना से लेकर जो हमारा बेताल घाट के जो विभिन्न क्षेत्र जहाँ पर आपदा है, तो उनकी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी आम लोगों की आवाज़ को उठाती है और इस मांग को करती है कि जब तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, न्यायचित मांग है ये। इससे पूर्व भी हमारे वक्ता आदरणीय विनोद कुमार जी ने कहा कि लड़ाई है पूरी, एक आंदोलन है, हमारे साथ कृष्णापुर की क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन है और हम उनके साथ रात दिन इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से, मंच के माध्यम से, और आज हम लोग पुनः एक ज्ञापन आयुक्त महोदय को दे रहे हैं और इसमें स्पष्ट रूप से भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्द जिला प्रशासन ने, शासन प्रशासन ने कृष्णापुर क्षेत्र की जनता की इस मांग को पूरा नहीं किया, तो अगर हमें अनिश्चितकालीन धरने में बैठना पड़े तो हम अनिश्चितकालीन धरने में बैठने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस बात को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसलिए समय रहते ही शासन प्रशासन इस सड़क के मार्ग का जो सर्वे काम चल रहा है उसको पूर्ण करके सड़क का मार्ग निर्माण करे, इसी मांग को लेकर हम यहाँ धरना कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे उपेंद्र विधि जो हमारे युवा